हेलो। सभी को वेरी वेरी गुड इवनिंग। जितने भी लोग आ चुके हैं इन सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं इनका आज मैं, क्योंकि आज जो है मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, लेकिन शर्त वही है, क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो जवाब आपसे ज्यादा चाहूंगा तब मैं आपसे, क्योंकि मैं कल बोल के गया था और मुझे अपनी बात आराम से अच्छे से याद भी है। सभी को सादर प्रणाम। दिलीप पांडे जी, आपसे मैंने कहा था एक बार मुझे पर्सनल मैसेज करिएगा, आपसे कुछ बात करनी थी मुझे, सेपरेट मैसेज करिएगा मुझे। ठीक है अर्चिता जी, सादर प्रणाम। मनु उपाध्याय, वेरी वेरी गुड इवनिंग। चलिए, हम लोगों की जो प्रैक्टिस है वो काहे की है, आपको पता ही होनी चाहिए कि आज हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिपिड्स, ऑयल्स एंड फैट्स के ऊपर जो क्वेश्चंस की प्रिंट मैंने बनाई है, और आज आपके लिए थोड़ी सी मेहनत भी की है मैंने। और आज इस मेहनत को मैं आपको बताऊं, ये मेहनत मैंने खुद की है, ये भी मैं बताऊं, थोड़ा सा एक बार धन्यवाद दोगे, समय निकाला आज थोड़ा सा, मैंने कहा कि आपको सेपरेट क्वेश्चंस मैं दे पाऊं। बहुत ही यूजफुल क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट बनेंगे। स्क्रीन पर आपके शेयर हो रहे होंगे, आपको मेहनत दिखाई दे रही होगी, दिखाई दे रही ना मेहनत? चलिए, मेहनत दिखाई देनी चाहिए। ठीक। लॉन्ग चेन पार्ट ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? लॉन्ग चेन हाइड्रोकार्बन का कौन सा पार्ट कहलाता है? कौन सा होगा आंसर, कौन सा होगा बताएंगे। जी बोलिए, कोई माइक पर बात करना चाहता है, कौन बात करने की इच्छा प्रकट कर रहा है? अगर आप बताएंगे तो अच्छी बात है, तो हम बात कर लेंगे, नहीं स्क्रीन हटानी पड़ती है, स्क्रीन हटानी पड़ती है, अगर आप बात करना चाह रहे हैं तो बताइएगा। फर्स्ट का बी होगा, वेरी गुड, नाइस, गुड, बहुत सुंदर, लाजवाब आपका जवाब, यानी कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, वेरी गुड, बहुत सुंदर, कि हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है। ये बताओ पीडीएफ अच्छी लगी? नहीं, देखने में अच्छी लगी, जब देखने में अच्छी लगती तो मन भी करता है कि इससे बातें करें, क्यों भाई? तो इसका मतलब ये हुआ, ये हाइड्रोफोबिक पार्ट हो जाता है। और लॉन्ग चेन भाई आपको सिंपल ही पता है, यहाँ बताने की जरूरत भी नहीं थी कि भाई अगर ये वाला पार्ट जो होता है, ये वाला, ये नॉन पोलर पार्ट होता है, और इतना हिस्सा जो है सी डबल ओ नेगेटिव और यहाँ पर एन ए पॉजिटिव, ये पोलर पार्ट होता है। वेरी गुड, शाबाश, सुंदर, वेरी गुड। अच्छा, रविकांत कह रहे हैं ऐसे ही बना दिया करिए। चलिए बहुत सुंदर साहब, अगर आपकी बात है तो मानी जाएगी। पोलर पार्ट ऑफ द फैटी एसिड, पोलर पार्ट ऑफ द फैटी एसिड ऑफ द सोप इज कॉल्ड, ये पोलर पार्ट जो है फैटी एसिड का, एक्चुअली मैं आज एक आ गया था, वो चेला जो हमारा आता है वो कभी कभी आता है, तो मैंने कहा बच्चा आज बैठ जाओ, चाय मैं बनाता हूँ, पीडीएफ तुम बनाओ। तो चेले ने आज जो है, मैंने उसको चाय पिलाई, उसने पीडीएफ बनाई, वो कम आता है आजकल, आजकल मैं ज्यादा बिजी रहता हूँ तो आता कम है। तो पोलर पार्ट ऑफ द फैटी एसिड ऑफ द सोप इज कॉल्ड, पोलर पार्ट ऑफ द फैटी एसिड ऑफ द सोप इज कॉल्ड। तो यहाँ पर सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोलर पार्ट ऑफ द फैटी एसिड, तो फैटी एसिड का जो पोलर पार्ट है वो क्या कहलाएगा? वाटर सॉल्युबल होता है, वेरी गुड, या वाटर इनसॉल्युबल होता है? वाटर सॉल्युबल होता है, इनसॉल्युबल, पोलर पार्ट ऑफ द फैटी एसिड ऑफ द सोप। बी होगा, वाटर सॉल्युबल होता है, रविकांत बी होगा, बी आंसर होगा, आपने जल्दी से ए मार दिया है, इनसॉल्युबल नहीं होता, नॉन पोलर इनसॉल्युबल होता है, वाटर सॉल्युबल पार्ट पोलर ही होता है। भैया बहनों याद रखो मेरे रसगुल्लों, इतनी जल्दी अगर गड़बड़ाओगे तो कैसे काम चलेगा भाई? हाँ चलिए, आपकी बात को मैं मानता हूं, लेकिन आपको बताना भी मेरा फर्ज ही है, बी ही होगा इसका आंसर, भी बी होगा, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर। देखिए सभी लोग पूरी तरीके से मेहनत करते रहिए, और एक चीज मैं आपको बताने की आज कोशिश करूंगा, क्वेश्चन तो मैं करा ही रहा हूं, लेकिन इससे पहले आपको जानकारी दे देता हूं कि सबसे पहला काम आप ये करिए कि जितनी भी जो मेन मेन टॉपिक्स हैं, बिहार वाले लोग ज्यादा सुने, जो मेन मेन टॉपिक्स हैं उनकी वीडियोस एक बार
स्पीड में देख डालिए, उनसे जुड़ी हुई पीडीएफ को सॉल्व कर डालिए, रोज प्रैक्टिस अपनी कंटिन्यू कर डालिए अगर आपको सिलेक्शन लेना है। ये मत पूछिए कि एग्जाम कब होगा, ये कहिए कि सर एग्जाम में हमारा सिलेक्शन फाइनल है, एग्जाम जब भी होगा हम सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं रविकांत जी, आप आराम से जिनको ले जा रहे हैं उनका ध्यान दीजिए, बाद में देखा जाएगा। ऑयल्स एंड फैट्स आर मोस्टली, ऑयल्स और फैट्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, ऑयल्स और फैट्स हमेशा मोस्टली ग्लिसरॉल होते हैं, ट्राई ग्लिसराइड होते हैं, ग्लिसराइड होते हैं, फैटी एसिड होते हैं। क्या होते हैं आप मुझे बताएंगे? जी बताइए क्या होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज। ये ग्लिसरॉल होते हैं, ट्राई ग्लिसराइड होते हैं। अनीता, अनीता आर लिखा, अनीता राज नाम है क्या, राय नाम है, क्या नाम है आपका अनीता जी, बोलिए जरा। तो यहाँ पर ऑयल्स एंड फैट जो होते हैं वो ट्राई ग्लिसराइड, यस कुल, वेरी गुड, नाइस, या ट्राई ग्लिसराइड होते हैं, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए तो अब जो है ट्राई ग्लिसराइड पर आ जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको फिर मैं बताने की कोशिश करूंगा फैट, बीफ टैलो क्या होता है, व्हाट इज बीफ टैलो। अच्छा ये बताओ प्रवेश डेट अगर आ गया है तो बढ़िया है, ये बताओ अनुज सर की बात सत्य थी या झूठ थी, ईमानदारी से बताना, आज पूरे ऑनलाइन हो, अनुज सर ने क्या कहा था? यही कहा था ना कि होली के बाद की बात करिए, अभी बात नहीं करिए। बीफ टैलो, बीफ टैलो कैसा होता है, एनिमल ऑयल है ना, बीफ टैलो एनिमल ऑयल है जी। एक एक शब्द मेरे बताओ लोगों को जो मैं बोलता हूं। अप्रैल हमेशा बोला है, आज नहीं बोला है, अप्रैल जब से पेपर का शुरू हुआ है आप लोग गदर काटे थे कि सर कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, मैंने शुरुआती से अप्रैल बोला है। अब तुम कहोगे सर एक बाई चांस एक बार नहीं होता है, कम से कम जितने एग्जाम है सब में यही कहा होगा, जब झारखंड होने वाला था तब भी मैंने यही कहा था, जब आपका पीजीटी यूपी वाला जो था पेंडिंग हुआ तो मैंने उसके बाद अब जल्दी नहीं होगा तब भी यही कहा है। हर चीज आप ध्यान दीजिए, मनुष्य सर ऐसे कोई भी बात नहीं बोलेंगे, कुछ तो आइडिया देंगे कि आपको, यानी अगर मैं बोलूंगा तो 10-5 दिन का वेरिएशन होगा, 10-5 महीने का वेरिएशन नहीं होगा। विच एंजाइम इज यूज इन हाइड्रोलिसिस ऑफ द ऑयल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए विच एंजाइम इज यूज इन हाइड्रोलिसिस, कौन सा एंजाइम हाइड्रोलिसिस में यूज होता है, तो आपको पता होना चाहिए लाइपेज होता है, लाइपेज, यस कुल, क्वेश्चन को समझ में आ रहे हैं, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं, ये बताओ यार। अनीता यादव, अच्छा अंकिता यादव, सही, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक मिनट जरा एक फोन आ रहा है, बात कर लूं। तो नेक्स्ट हो गया 6 का भी, आपने रेंसिडिटी इज प्रिवेंटेड बाय विटामिन सी, वेरी गुड, नाइस, बहुत सुंदर जवाब आप लोग दे रहे हैं और ऐसे ही जवाब आप देते रहिए। देखिए कितने अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन है, ये क्वेश्चंस आपको ना किसी किताब में मिलेंगे, ये क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ स्टडी मेड बाय अनुज सर, ये आपको बता दूं। बहुत सारे क्वेश्चंस मैं किताबों से भी कलेक्ट करता हूँ, लेकिन आज मैंने इक्को क्वेश्चन, ये सब क्वेश्चन जो है मैंने किताब से इक्को नहीं उठाया है, और नहीं तो फिर आप ढूंढ के देखो अगर सेम लैंग्वेज मिल जाए तो। स्मॉलर स्मॉलर सपोनिफिकेशन वैल्यू रिप्रेजेंट, जो स्मॉलर सपोनिफिकेशन की जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, हाई मॉलिकुलर वेट फैट का या लोअर मॉलिकुलर वेट या नॉट रिलेटेड टू द मॉलिकुलर वेट, इन तीन में से ऑप्शन एक दीजिएगा।
इन तीन में से एक ऑप्शन आपको देना है, जल्दी बताइए फटाफट। लोअर मॉलिकुलर वेट, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ सपोनिफिकेशन रिप्रेजेंट, बोलिएगा। लोअर द वैल्यू ऑफ सपोनिफिकेशन ये रिप्रेजेंट करती है कि मॉलिकुलर वेट ज्यादा होना चाहिए। मेरे हिसाब से, मैंने कल आपको बताया भी था, सपोनिफिकेशन वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, इस छोटी होगी, उतना मॉलिकुलर वेट ज्यादा होगा। यही बोला था, हायर द मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट स्मॉलर इट्स सपोनिफिकेशन वैल्यू। ए ऑप्शन होगा, ए ऑप्शन होगा, जित ए ऑप्शन होगा। अर्चिता सेन, सभी लोग बी पर चले जा रहे हैं, ये नोट करिए, वीडियो देखिए। मैंने बोला था हायर द मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट, ठीक, स्मॉलर इज द सपोनिफिकेशन वैल्यू। यस, कुल भी बी बोल रहे हैं, सब बी बोल रहे हैं, जबकि आंसर होगा इसका ए, यानी कि ये हायर द मॉलिकुलर वेट ऑफ फैट या और ऑयल, जो भी आपको ध्यान रखना है ध्यान दीजिए। कल की वीडियो देखिएगा, नहीं देखो तो फिर नोट भी कर लो, अभी के अभी नोट कर लो, यहीं पर इम्पोर्टेंट है, ये आ सकता है एग्जामिनेशन में। और बिहार वाले तो इस पर लिख लें आएगा, बिहार स्टेट वाले लिख लो कि आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार स्टेट वाले लिख लो आएगा, 100% आएगा, ना आए तो फीस आ जाए वापस, लो यहाँ लिखे दे रहा हूँ, फीस वापसी होगी, फीस वापस 100%, ठीक है। चलिए, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो सब लोग, और एक बार हंसो। आयोडीन वैल्यू रिप्रेजेंट, आयोडीन वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करती है, इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वीडियो से आपको क्वेश्चन मिलना तय है, एक ही याद मिलना है, बी पार्ट बी बता रहे, अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, अनसेचुरेशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अनसेचुरेशन, मजा आ रहा है ना, नहीं सीखा, फोन करना बोले सर मेरी फीस दे दो भाई, क्वेश्चन नहीं आया, तो अब यहाँ ध्यान दो। इसके बाद टॉयलेट सोप, टॉयलेट सोप जो है वो क्या होता है, बोले हमने बोला टॉयलेट सोप, बोले बड़ा हार्ड होता है साहब, हाथों में खुरखुरापन आ जाता है, टॉयलेट सोप से हाथ धुलो, बोले सर हार्ड बहुत होता है, खुरखुरापन आ जाता है। बताइए यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन, नाइन्थ वाले का बेस्ट ऑप्शन ढूंढ करके बताइए, कोई टॉयलेट सोप जो है वो क्या होता है, बोले टॉयलेट सोप जब भी आओ ऐसा रखा मिलेगा, हाथों में रगड़ना पड़ता है, बहुत कर रहा है, तो इसका मतलब हुआ ये मेडिकेटेड होना चाहिए, इट इज मेडिकेटेड है, मेडिकेटेड हार्ड सोप होना चाहिए ना, इट इज मेडिकेटेड होना चाहिए। हरिओम, क्या कर रहे हो यार भाई, मैं तो आपसे बात यूं ही मजाक कर रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल आंसर इसका वही है, ये मेडिकेटेड होना चाहिए, मैंने आपको पहले भी बताया था, ये मेडिकेटेड होना चाहिए, क्यों, या सॉफ्ट सॉफ्ट होना चाहिए, बताइए, सॉफ्ट होना चाहिए। चलिए ठीक है, आपकी बात बिल्कुल सही है, मेडिकेटेड जो होते हैं वो भी यूज किए जा सकते हैं, लेकिन अधिकतर ये सॉफ्ट सोप ही होते हैं, बिल्कुल आपने सभी ने जवाब सही दिया है, बिल्कुल 100% सॉफ्ट सोप में ही मैंने आपको पढ़ाया था टॉयलेट सोप, ठीक है, अधिकतर लोग, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल सही बोला है, सॉफ्ट ही होते हैं, नहीं प्रवेश एकदम सॉरी नहीं बोलिए, सॉफ्ट ही मैंने बताया था, मैं पहले ही बोल रहा हूँ, आप अपने कॉन्फिडेंस को मेंटेन रखिए, कॉन्फिडेंस मत गड़बड़ाइए, है ना, जैसे कि आपका डिटॉल है, लाइफ बॉय है, नीम है, मार्गो है, ये सब मेडिकेटेड होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करते हैं, लेकिन बेस्ट आंसर यहाँ पर आपको, मैंने बोला बेस्ट आंसर बोलना है तो बी ही होगा, वो है मेडिकेटेड, यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ पर आंसर। टेंथ बताइए, वॉशिंग सोप्स जो होते हैं, वॉशिंग सोप क्या होते हैं, वॉशिंग सोप्स ये क्या होते हैं, बताइए वॉशिंग सोप्स क्या होते हैं, वॉशिंग सोप होते हैं आपके, हार्ड होंगे सॉफ्ट होंगे, बताइए क्या होते हैं, वॉशिंग सोप्स क्या होते हैं, बताएं। आज थोड़ा पीडीएफ, बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है, लेकिन हाँ क्वेश्चन है, हार्ड सोप होते हैं, भावना भी आजकल पढ़ने लगी है, लग रहा है भावना, लग रहा है पढ़ाई शुरू हो गई, दो चार लोगों को मोटिवेट करिए कि पढ़िए, आप लोग बैच में मोटिवेशन भी करिए कि लोगों को पढ़ने के लिए मोटिवेट करिए, क्योंकि एग्जामिनेशन लगभग अगस्त में फाइनल है पीजीटी का, इस बार यूपी पीजीटी, ये मान लीजिएगा। सिंडेट्स क्या होते हैं, व्हाट आर सिंडेट्स, आप लोग, बाकी बहुत सारे लोग डीएक्टिवेट हो गए हैं, जैसे हमने देखा कि शुरुआत में बहुत उनके अंदर एनर्जी थी, लेकिन खत्म हो गई एनर्जी, बोले कि सब पेपर ही नहीं होगा। वॉशिंग सोप मैंने कल नहीं बताया, वॉशिंग सोप मैंने कल बताया था कि जितने भी वॉशिंग सोप होते हैं वो हार्ड होते हैं, ये मैंने बोला होगा, नोट करिए इस बात, कल आप, मैंने कल ये बात बताई थी, आप नोट करें इस बात को। सिंडेट्स जो होते हैं वो सिंथेटिक डिटर्जेंट होते हैं, सिंडेट्स का मतलब है सिंथेटिक डिटर्जेंट,
ये हो जाते हैं सिंथेटिक डिटर्जेंट। क्वेश्चंस 11 मैंने सेलेक्ट करवाए और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज है पूरी, ये भी ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर पॉइंट ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, चलिए अच्छे लगे क्वेश्चंस, अभी और अभी हैं, ऐसा नहीं कि यही है, इनके आंसर भी नीचे टाइप कर दिए हैं। ये जो मैंने क्वेश्चंस किए 10 और 11 क्वेश्चन का आंसर नहीं टाइप है, तो 11th वाले का मैं यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ कि 11th वाले का डी होगा। ठीक है, चलिए 11th वाले का आपका डी मैंने लिख दिया है, आंसर मिला लीजिएगा, अगर कोई गलती लगे तो बताइएगा। इसके बाद क्वेश्चन आ जाते हैं पार्ट बी में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कंपाउंड लिपिड, इसमें कौन सा जो है वो कंपाउंड लिपिड में गिना जाएगा, कंपाउंड लिपिड में कौन सा गिना जाएगा जी, बोलिएगा, विच वन इज कंसिडर्ड एज ए कंपाउंड लिपिड, तो आपको पता होना चाहिए। सेरीन को गिना जाता है या ट्राई सेरीन को गिना जाता है, सेरीन गिना जाता है, ट्राई स्टरीन नहीं गिना जाता है, हाँ सेरीन गिना जाता है, वेरी गुड अर्चिता सेन, शाबाश, ये हमारा सेरीन जो होता है इसको ही गिना जाता है, मुझे सेरीन याद था इसलिए मैं सी अप पर ही ऑप्शन पर जाऊंगा, आपको पढ़ना चाहिए था। इसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ट्राइग्लिसराइड, इसमें सिंपल ट्राइग्लिसराइड कौन सा है, सिंपल ट्राइग्लिसराइड कौन सा है, तो वही है, ये ट्राइस्टरीन ही गिना जाना चाहिए मेरे हिसाब से, ट्राइस्टरीन ही गिना जाना चाहिए, वेरी गुड शाबाश, ट्राइस्टरीन ही गिना जाना चाहिए। यानी कि अगर मैं बात करता हूँ सेकंड वाले क्वेश्चन की, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल ट्राइग्लिसराइड, तो सिंपल ट्राइग्लिसराइड जो है वो ट्राइस्टरीन ही होता है, सिंपल ट्राइग्लिसराइड अगर मैं नोट कर पा रहा हूँ जो मुझे समझ में आ रहा है वो। इसमें कुछ एक आध क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जो CSIR के लेवल पर चले जाते हैं, तो लेकिन फिर भी आपको एग्जाम्पल याद रखना पड़ेगा, यहाँ पर जो सिंपल होते हैं वो आपको मैंने शायद हो सकता है ना भी बताया हो, लेकिन ट्राइस्टरीन है, एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, यहीं पर एग्जाम्पल आप याद कर लीजिए, वेरी गुड नाइस, है ना। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑयल, इसमें से कौन सा ऑयल है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑयल, इसमें कौन सा ऑयल है, बाकी ऑयल नहीं है, रिमे ओनली वन इज ऑयल, थर्ड वाले का जवाब दीजिए, प्रीति सिंह जवाब दीजिए, थर्ड वाले का जवाब दीजिए, थर्ड वाले का जवाब दीजिए। इनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे, जी थर्ड वाले का बी दे रहे हैं, वेरी गुड शाबाश, बहुत सुंदर, थर्ड वाले का बी ही एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, बी एग्जैक्ट आंसर है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आज अच्छा लग रहा है मुझे कि आप लोग जवाब दे रहे। देखिए क्या होता है, टीचर के पास एक चीज बहुत मजबूत होती है कि वो ये कि जब उसका स्टूडेंट जवाब देता है तो फिर उसे बहुत हार्दिक खुशी होती है, इन बेइंतहा खुशी होती है जिसको वो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, तो इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आप जवाब देते रहिए, हमें अच्छा लगेगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ये एक तरीके का टेस्ट भी हो जाता है, दोनों चीजें, देखो लाइव क्लास हो या रिकॉर्डिंग हो, अगर आपने कोई भी कोर्स परचेज किया है तो उसकी महत्वता उसके क्वेश्चन करने से होगी। मैंने अक्सर लोगों को देखा है बड़ा अच्छी अच्छी कोचिंग, यहाँ तो हमारा तो कुछ भी नहीं, एक छोटा सा सेटअप मैंने बना रखा है, बहुत चीज नहीं मेरे पास में, लेकिन मैंने बहुत हाई फाई कोचिंग्स को नोटिस किया है कि वो इस लेवल पर जाके क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराते हैं, वो वही सिंपल क्वेश्चंस जो आप कर लेंगे जिसमें आप खुश रहेंगे, बस वही क्वेश्चन कराएंगे वो जिसमें आप खुश रहेंगे, आप खुश रहने का मतलब आपको इजी क्वेश्चन जब होंगे तो आपको, यार यार मुझे तो आता है, देखो कितना बढ़िया पढ़ा रहे हैं सर, मुझे आ रहा है, सब आ रहा है, अरे भाई अगर तुम्हें उन्हें ये चीज आ रही है तो फिर वो PGT क्यों नहीं क्वालिफाई कर रहे हैं, मेरा सिर्फ इतना क्वेश्चन है, क्यों नहीं करना चाहते हैं? और जबकि एग्जामिनेशन में जब जाते हैं तो वो मिलेंगे वहां बैठे हुए, पेपर देने जाएंगे वहां। ठीक है, वेरी गुड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉस्फोलिपिड, इसमें कौन सा फॉस्फोलिपिड नहीं है, तो जवाब आपके सामने बिल्कुल हाजिर है। देखिए ये भी फॉस्फो अल्फा लेसिथिन भी फॉस्फोलिपिड है, फॉस्फोटाइल सेरीन ये भी ऊपर ही देखा था, तो आपको पता होना चाहिए गैलेक्टोलिपिड जो है वो, एक जो है फॉस्फोलिपिड नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट, इसमें फॉस्फोरस नहीं होता, नाम इंडिकेट कर रहा है भाई, नाम इंडिकेट कर रहा है, आप नाम भी नहीं पहचाने,
नाम भी नहीं पहचाने, आप गैलेक्टोलिपिड लिखा हुआ है। गैलेक्टोलिपिड नाम को जरा इंडिकेशन दीजिए, नाम खुद इंडिकेट करेगा कि वो क्या है, नाम खुद इंडिकेट करेगा कि वो क्या है। तो प्लीज आप नाम पर भी विशेष तौर से ध्यान दीजिए, ठीक है, नाम पर भी विशेष तौर से ध्यान दीजिए। ठीक, चलिए, वेरी गुड, नाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। ट्राइग्लिसराइड्स हैविंग अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड चेन इज कॉल्ड, तो यहां पर आइए बहुत, ट्राइग्लिसराइड्स हैविंग अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड चेन इज कॉल्ड, क्या कहलाती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ का क्या जवाब आना चाहिए बताइए। ट्राइग्लिसराइड की जो अनसेचुरेटेड चेन होती है वो क्या होती है? अच्छा, ये बताइए, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं बोथ फैट एंड ऑयल बोल रहे हैं, तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि जब हाइड्रोजनेशन जगमोहन जी करते हैं तो अनसेचुरेटेड से सेचुरेटेड तो ही बनाते हैं। जरा ध्यान दो, आप पहले मेरी बात को ध्यान दो। जब आप हाइड्रोजन गैस पास करते हैं तो यहाँ वेजिटेबल ऑयल जो होता है, वेजिटेबल ऑयल, थोड़ी सी बुद्धि अगर आप लगाएंगे, वेजिटेबल ऑयल जो आपके पास में है वो, उसमें आपने हाइड्रोजन पास कर दी तो ये अनसेचुरेटेड था, और यहां पर आपने वनस्पति घी बना दिया। जो सेचुरेशन पॉइंट पर आपने पहुंचा, हाइड्रोजन जोड़ोगे तो सेचुरेशन तो ही मिलेगा भाई साहब, तो उसका जवाब फिर ऑयल कैसे हो सकता है? उसका जवाब तो फिर फैट होना चाहिए। बोलिए। ट्राइग्लिसराइड्स हैविंग अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड चेन इज, और ट्राइग्लिसराइड्स फिर बताइए सर, ए ही होगा ना? जब चेन बनेगी, कार्बोक्सिलिक एसिड जब चेन बनेगी ना, तभी ये कंसीड्रेशन बनेगा ना, क्यों? सॉरी, ऑयल होना चाहिए, ऑयल, सॉरी, ऑयल होना चाहिए, हाँ ठीक है, ऑयल होना चाहिए, मैं फैट बोल गया हूँ, ऑयल होना चाहिए। ऑयल होना चाहिए, मैं फैट बोले, बोथ नहीं होगा, बोथ नहीं होगा, ऑयल ही होगा, मैंने लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बाई चांस ऊपर वाले टिक कर गया। जगमोहन जी, समझ रहे ना आप बात को? बोथ नहीं आंसर होगा, बोथ नहीं होगा, फाइव का बी ही आंसर आना चाहिए, सी नहीं आएगा, बी आएगा आंसर। जी ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट, शाबाश, ऑयल ही होगा। इसके बाद आइए सिक्स्थ वाले क्वेश्चन पर आइए। द एक्सचेंज ऑफ एल्कोहलिक पार्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड ऑन ट्रीटमेंट विद एल्कोहल इज नोन एज, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक वर्ड यूज करते हैं, मेरे दिमाग से वर्ड कल स्लिप कर गया था, मैं आपको नहीं बता पाया, लेकिन हाँ आज आपको जरूर बताऊंगा कि एक्सचेंज ऑफ एल्कोहलिक पार्ट अगर हम एक्सचेंज करते हैं ट्राइग्लिसराइड का, तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अगर आप बताओगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ, ये याद भी रखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, याद भी रखना पड़ेगा और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है, ठीक है, बताइएगा क्या हो सकता है, संभावना क्या है यहाँ पर? जी बोलिए। ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, वेरी गुड। अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन, तो फिर जवाब आपका आना चाहिए कि ट्रांस एस्ट्रिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ एल्कोहलिक पार्ट ऑफ ट्राइग्लिसराइड ऑन द ट्रीटमेंट विद एल्कोहल इज नोन एज, ठीक है, पता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, इस बात का भी आपको ध्यान देना पड़ेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपको बहुत ही मदद करेंगे, ठीक है मनु, बहुत खास बात है ये, बात मैं आपको बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, रेंसिडिटी ऑफ एन ऑयल और फैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय, किसकी वजह से? यहां पर देखिए, वहां एक अलग क्वेश्चन था, यहाँ क्वेश्चन की ट्यूनिंग बदली गई है, यहां पर क्वेश्चन की ट्यूनिंग बदली गई है, हम एंटीऑक्सीडेंट मिलाएं यहां पर, या फिर कलर्ड ग्लास कंटेनर रखें, या फिर वैक्यूम पैकिंग करें, क्या करें यहां पर?
रेंसिडिटी, अगर ऑयल की, तो आपने नोट करा होगा ना कि एंटीऑक्सीडेंट भी मिलाते हैं, कलर्ड ग्लास कंटेनर भी, अधिकतर आपने घी भी सब देखा होगा कि बंद डिब्बे में, जहाँ धूप ना जाने पाए उस डिब्बे में रखा जाता है। अंदर अगर रखा जाएगा तो एल्युमिनियम फॉइल में डाला जाएगा, वैक्यूम क्रिएट करके डाला जाता है ना। तो इसका मतलब भावना ऑल होना चाहिए मनु उपाध्याय, ऑल होना चाहिए भावना, समझ में आ रहा है भावना, ऑल होना चाहिए, वेरी गुड, नाइस, ऑल होना चाहिए। ठीक है, कोई बात अगर करना चाहता है तो इस पर मैसेज डाल दिया करिए कि सर हम आपसे बात करना चाह रहे हैं, तो फिर हम वो स्क्रीन हटाएंगे, नहीं तो हमें स्क्रीन यहाँ से हटानी पड़ती है, एक बार स्क्रीन हटाना पड़ता है। ठीक है, चलिए, प्रीति वर्मा जी बताइए। आरएम वैल्यू, आरएम वैल्यू मैंने कल लिखी तो नहीं थी, लेकिन मैंने आरएम वैल्यू को इंडिकेट किया था। आपने अगर मेरी वीडियो को आप सुनेंगे समझेंगे तो मैंने आरएम वैल्यू को इंडिकेट किया था। आप नोट कर पा रहे होंगे कि आरएम वैल्यू जो होती है वो लो मॉलिकुलर वेट वॉलेटाइल सॉल्युबल फैटी एसिड के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो मैंने कल ये बात बोली थी लेकिन लिखी नहीं थी। आप याद करिए, इस बात को याद करिए आप, है ना। वीडियो देखोगे तो समझने, कभी कभी हो जाता है ना, कुछ बातें लिखी नहीं जाती हैं, कुछ बातें बोल देता है टीचर तो वो क्वेश्चन बन जाता है। तो आरएम वैल्यू इज एन इंडेक्स ऑफ वोलेटाइल वाटर सॉल्युबल फैटी एसिड हैविंग द लो मॉलिकुलर वेट। यहाँ पर लो मॉलिकुलर वेट की बात हो रही है, ठीक है। एन एडल्ट्रेंट जो होते हैं वो बटर जनरली हैव आरएम वैल्यू। इनकी आरएम वैल्यू क्या होगी? अगर इम्प्योरिटीज मैंने मिला दी, एडल्ट्रेंट्स उसमें अंदर मिला दिए, तो आरएम वैल्यू क्या हो जाएगी? तो आरएम वैल्यू मेरे हिसाब से क्या हो जानी चाहिए? घट जानी चाहिए, लोअर देन प्योर बटर हो जानी चाहिए। चेक करिए, लोअर देन प्योर बटर हो जानी चाहिए। जी, नाइन्थ का बी होना चाहिए, बिल्कुल एक्यूरेट, नाइन्थ का बी होना चाहिए, ये वाला आंसर होना चाहिए। वेरी गुड, नाइस मनु। तो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन अच्छे भी हैं। अच्छा, एक चीज और बताइए, ज्योति गुप्ता, बहुत दिनों बाद मैंने आपका ये नाम देखा है यहाँ पर। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं अपने लाइव, बाद में बिना, अगर लाइव भी नहीं है तो अपना देख लेते हैं वीडियो, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं कि आप चाहे वीडियो देखें या नहीं देखें, और या फिर आप लाइव रहें नहीं रहें, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, है ना। पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात का आपको विशेष तौर से ध्यान देना पड़ेगा। चलिए ठीक है, वेरी गुड, नाइस। चलिए, उसके बाद 10th क्वेश्चन पे आइए। स्मॉल सपोनिफिकेशन नंबर, अभी ऊपर बात हुई थी, अभी ऊपर ही बात हुई थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में भी ऊपर ही बात हुई थी। स्मॉल वहां था, लार्ज सपोनिफिकेशन नंबर वो स्मॉल ही था। स्मॉल सपोनिफिकेशन नंबर वैल्यू ऑफ द फैट ऑफ एन ऑयल शोज दैट, क्या शो कर रहा था? अभी ऊपर बात हुई थी इस क्वेश्चन पर, इस क्वेश्चन पर ऊपर बात हुई थी अभी। जी बताइए, स्मॉल सपोनिफिकेशन अभी बात हुई। अचिता सेन इतनी जल्दी गलती कर गई, इतनी जल्दी गलती कर गई आप, इतनी भी जल्दी क्या है, इतनी भी जल्दी क्या है? अभी ऊपर एक बार क्वेश्चन का मॉडिफिकेशन से आया था, मतलब यहाँ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदली गई थी, केवल हाई मॉलिकुलर वेट आएगा यहाँ पर, हाई मॉलिकुलर वेट, इज इट क्लियर? हाई मॉलिकुलर वेट आएगा, द ग्रेटर द अनसेचुरेशन ऑफ ऑयल और फैट। अब भी ये क्वेश्चन भी द ग्रेटर द, देखिए ये क्वेश्चन भी रिपीट किया लेकिन अपने ढंग से किया, द ग्रेटर द अनसेचुरेशन ऑफ ऑयल एंड फैट इज द आयोडीन वैल्यू, क्या हो जाएगी? आयोडीन वैल्यू स्मॉल हो जाएगी, हाई हो जाएगी, हाई हो जाएगी। ग्रेटर, जितना अनसेचुरेशन ज्यादा होता है उतना ही क्या वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, यस कुल बताइएगा, ग्रेटर होगी, वेरी गुड। अच्छा ये बताओ, जो मैंने कल 2 दिन पढ़ाया आपको ऑयल और फैट, क्या क्वेश्चन उसी से जुड़े हुए हैं? अलग तो नहीं है, अलग तो नहीं है क्या क्वेश्चंस? जी बोलिए,
यशकुल, क्या क्वेश्चन अलग हैं? आपके कहने का तात्पर्य है क्वेश्चन अलग हैं, क्यों? चलिए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑयल्स हैविंग आयोडीन वैल्यू लोअर देन 100, ये थोड़ा सा क्वेश्चन हटा क्योंकि आयोडीन वैल्यू की डेफिनेशन भी बताई मैंने, लेकिन यहाँ थोड़ी सी क्वेश्चन की ट्यूनिंग बदली। अगर ऑयल्स की वैल्यू लोअर देन 100 आ जाती है तो फिर क्या हो जाएंगे? अपनी बुद्धि आप लगाइए, अपनी बुद्धि लगाइए। अपनी बुद्धि लगाइए, जी बताइए। 12th वाले का जवाब आप देंगे मुझे अच्छा लगेगा, 12th वाले का जवाब आप देंगे मुझे अच्छा लगेगा। नॉन ड्राइंग ऑयल होना चाहिए, इसको मैंने नहीं पढ़ाया था, ये मैं जान रहा हूँ, मैंने नहीं बोला है कहीं भी। नहीं बेटा, इसको रविकांत मैंने कहीं नहीं बोला है, मैं खुद बोल रहा हूँ, इसको यही नोट कर लो कि नॉन ड्राइंग ऑयल होते हैं ये। दीज आर द ऑयल्स हैविंग आयोडीन वैल्यू लोअर देन 100 जो होते हैं वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ये नॉन ड्राइंग ऑयल्स होते हैं, ये भी यही याद कर लो, यही याद कर लो, ठीक है? मैंने कल नहीं बोला है, फिलहाल मुझे इसलिए याद है कि मैंने स्टेटमेंट ये नहीं बोला है। मेरा जो होता है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्द होते हैं, वहाँ कोई छुपा छुपावन नहीं होती है, यहाँ ड्रामाबाजी नहीं है, इसीलिए अनुसर बहुत ज़्यादा वो नहीं करते हैं, नहीं तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। वट विल बी द सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ द फैट, इट्स मॉलिकुलर वेट। अगर इसका ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ी, क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने इसको उठाया था। अगर मॉलिकुलर वेट 638 है, अगर मॉलिकुलर वेट 638 है, बिल्कुल अच्छा, तीनों की रेंज, मनु उपाध्याय कह रहे हैं कि सर तीनों की रेंज बता दीजिए। बिल्कुल आपने सही बोला है और मुझे लगता है मुझे बता भी देनी चाहिए, बता भी देनी चाहिए, लेकिन अगर आपको याद है तो फिर रुक जाओ, कोई बात नहीं, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि देखिए क्या होता है। अगर हम लोग आयोडीन वैल्यू निकालते हैं, आयोडीन वैल्यू निकालते हैं, सुनना, जितना डबल बॉन्ड ज़्यादा होगा उतना ही अनसेचुरेशन होगा, वो हमने पहले कल भी आपको बताया था, कल भी बताया था। अगर वैल्यू 100 से कम है तो नॉन ड्राइंग होगा, 100 से ऊपर है वैल्यू तो ड्राइंग होगा, इन दोनों में डिफरेंस है। अगर बिटवीन 100 के आसपास वैल्यू बिल्कुल 100 पे ही है तो सेमी ड्राइंग हो जाता है, सेमी ड्राइंग होगा, ठीक है? तो बात ध्यान दीजिएगा, यहां पर लोअर देन है, लोअर पर नॉन ड्राइंग ही रहता है। प्रीति सिंह कह रहे ड्राइंग ऑयल होगा सर, नहीं ड्राइंग ऑयल नहीं होगा, इसमें नॉन ड्राइंग ही ऑयल आएगा। फिलहाल आप लोग भी एक बार समझदार हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैंने बोला हो तो वो एकदम परफेक्टली, फिर भी आप पढ़िए, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग तो ये बिल्कुल एग्जैक्ट यही है, एग्जैक्ट यही है, ठीक है? चलिए, व्हाट विल बी द सपोनिफिकेशन वैल्यू ऑफ फैट इफ इट्स, अगर सपोनिफिकेशन वैल्यू की मैं बात कर रहा हूँ तो फैट की 638 है, ठीक है, 638 है, मॉलिकुलर वेट दिया है, तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अगर मॉलिकुलर वेट 638 है तो क्या होना चाहिए? देखो वैसे मैं आपको बता दूं, मैंने 638 का वेट ही कर लिया था और वो वेट जो था वो ट्राई लॉरिएट का शायद वेट था, और ट्राई लॉरिएट के वेट की जो वैल्यू आ रही थी वो 263 आ रही थी, शायद आंसर था इसका, मैंने कल आपको बताया था। शायद याद है ना, कल मैंने यही बताया था, क्वेश्चन ही यही कराया था, इसलिए मैंने डायरेक्ट उसी पे क्वेश्चन भी दिया है, मनु समझ में आ रही है आपको बात? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पर चले आइए, क्वेश्चन नंबर 14 अगेन वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए। बी होगा ना, 14 का हाइड्रोकार्बन चेन टेल। द क्वेश्चन की ट्यूनिंग देखिए रविकांत, रविकांत, मनु उपाध्याय, अनीता, सभी लोग जो लाइव सेशन में हमारे ज्वाइन हैं, जितने भी लोग लाइव सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, वो लोग इस बात का विशेष ध्यान दें कि क्वेश्चन की ट्यूनिंग को समझने की कोशिश कीजिए, क्वेश्चन को किस तरीके से, डायरेक्ट हाइड्रोफोबिक नहीं पूछा,
अलग ढंग से एक लाइन लेंथ ली गई कि हाइड्रोकार्बन चेन टेल, जिससे कि आदमी थोड़ा सा कंफ्यूज हो, वो लगे कि यार हाइड्रोकार्बन मतलब हाइड्रोफोबिक को ढूंढने की कोशिश वो करेगा, लेकिन हाइड्रोफोबिक इसमें मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं, है ना। कार्बन मतलब टेल भी जोड़ा तो ऐसा जोड़ा कि दिक्कत पैदा करे। तो हालांकि टफ नहीं है क्वेश्चन, टफ नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में ट्यूनिंग देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 15 पे आइए, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, बस इतने ही क्वेश्चन हैं। तो टोटल मैंने आपको 11 और 17 आप नोट करिए, इतने क्वेश्चन आज बनवाए थे, वो आपके सामने रख रहा हूँ। कंफ्यूज करने की कोशिश, वेरी गुड, नाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनायनिक डिटर्जेंट, इसमें से कौन सा एनायनिक डिटर्जेंट है। तो अब सबसे पहले मैं आपको बात करूं कि एनायनिक डिटर्जेंट कौन सा होगा। मैंने आपको बताया था कि एनायनिक डिटर्जेंट जो होगा, कल नाम मैं बोल रहा था सोडियम डोडेकाइल सल्फेट, मैं आपको बोल भी रहा था कल, याद करिए लैंग्वेज को, मैंने बोला था डोडेकाइल, मैंने करेक्शन भी आपको याद होगा किया था उसके अंदर, डोडेकाइल आप याद करिए, करेक्शन भी किया था। तो डोडेकाइल सल्फेट एग्जाम्पल अब मैंने बोल दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एनायनिक डिटर्जेंट, मैंने बोला था कि भाई ऑक्सी वाले जितने भी हैं वो तो सब हो जाते हैं नॉन आयनिक डिटर्जेंट, हो जाते हैं नॉन आयनिक हो जाते हैं। तो लॉरियल इथोक्साइड इथोक्सीलेट जो है वो नॉन आयनिक है, ठीक है। और सोडियम स्टीयरेट का एग्जाम्पल अगर लाओगे तो सोडियम स्टीयरेट किस में आ जाएगा, सोडियम स्टीयरेट बताओ आप लोग किस में आएगा, है ना। लॉरियल वाले जितने भी हैं वो होते हैं, जी बोलिए, एनायनिक डिटर्जेंट फर्स्ट का ए होगा ना, ये दोनों कैटायनिक चले जाते हैं, ये आपका नॉन आयनिक है और ये वाला पहला वाला एनायनिक है। तो यहाँ पर ये एनायनिक, यहाँ पर आप नोट कर लीजिए ये एनायनिक है ना। इसके बाद चले आइए नेक्स्ट कंडीशन में, सोप में कैटेगरी में चला गया, आयनिक हो जाएगा। उसके बाद सोडियम स्टीयरेट पे चले आइए, अगर सोडियम स्टीयरेट को आप देखोगे तो ये भी किस कंडीशन में आएगा, सोडियम स्टीयरेट सोप में चले जाएगा, ये भी कैटायनिक डिटर्जेंट में जाएगा। तो इस तरीके से आपको एग्जाम्पल थोड़े से ध्यान देने पड़ेंगे। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटी, है ना, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एंटी रीडिपोजिशन एजेंट, मैंने कल बोला था आप याद करिए, एंटी रीडिपोजिशन एजेंट में मैंने एक नाम बोला था जो गलती आप करेंगे, ये बात भी मैंने बोली थी, याद करो मैंने क्या बोला था, मैंने आपको बोला था एक तो एसटीपीपी मैंने नॉन आयनिक में ही बताया था, कैटायनिक नहीं नॉन आयनिक में ही मैंने आपको बताया था, याद होगा आपको, ये भी नॉन आयनिक में मैंने बताया था, ये भी नॉन आयनिक में मैंने बताया था। और यहाँ पर CMC का एग्जाम्पल भी मैंने कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज करके लिखा भी था, फुल फॉर्म भी लिखी थी। अर्चिता सेन बताइए क्या लिखा था या नहीं लिखा था मैंने, STPP की फुल फॉर्म भी मैंने आपको बताई थी, STPP की फुल फॉर्म बताई थी, सोडियम ट्राई पॉली फॉस्फेट, याद है आपको, STPP की फॉर्म भी बताई थी, सोडियम ट्राई पॉलीफॉस्फेट Na5P3O10 बोला था मैंने, याद करिए आप कल की क्लास को याद करिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर इसके बाद 17 पे आ जाइए, और शायद उम्मीद है ये लास्ट होना चाहिए, जी लास्ट है 17। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्ट डिटर्जेंट, इसमें से कौन सा डिटर्जेंट सॉफ्ट है, जी बोलिए, आंसर आपके सामने भी है, अगर आप चाहें तो नकल भी कर सकते हैं, लेकिन ईमानदारी से अगर आप बोलेंगे तो मुझे लगता है कि जो इसमें सॉफ्ट डिटर्जेंट है वो एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट है, ये एनायनिक डिटर्जेंट में कंसीडर किया जाता है। सॉरी, इथॉक्सीलेट होना चाहिए ना, हाँ, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट का क्वेश्चन, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट में भी आप ये मतलब क्वेश्चन नहीं बना, वो एक अलग बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा क्या होना चाहिए, 17 का बी होना चाहिए, इथॉक्सीलेट या एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट, बोलिए, एल्काइल बेंजीन सल्फोनेट होना चाहिए या फिर इथॉक्सीलेट होना चाहिए, आंसर आप
नीचे देख सकते हो, आंसर दिया हुआ है। जितने भी नॉन आयनिक डिटर्जेंट होते हैं वो सॉफ्ट में ही कंसीडर अधिकतर किए जाते हैं, ये बात ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए, यानी कि इसका आंसर फिर हम लोग इथॉक्सीलेट ही लगा लेते हैं, और इथॉक्सीलेट का मतलब 17 वाले का हमारा बी आंसर हो जाना चाहिए। ठीक जी, चलिए मनुपाध्याय जी, ये हमारे पास क्वेश्चंस थे आज, और ये मैं पीडीएफ भी अपलोड कर दूंगा अभी के अभी, इसको करिएगा। अब हम लोग कुछ नया हटके भी कल करेंगे, कुछ हटके भी करेंगे, कल प्लान करूंगा कि आपको क्या पढ़ाना है, और कुछ हटके पढ़ाऊंगा, फिर हटके क्वेश्चंस कराऊंगा। बहुत प्रॉपर वे में स्टडी आप करते रहिए। इलेक्शन हमारे, बात तो आपकी बिल्कुल सही है शिखा, लेकिन अभी मैं कुछ कहने की संभावना में इसलिए नहीं कि एग्जाम पेंडिंग हो जाएगा, ये एग्जाम पेंडिंग होगा एसटेट का, बिहार बीपीएससी, अभी आप चलते रहिए। कोई बात नहीं, अभी परेशान ना होइए, चलो देखते हैं, वेट एंड वॉच, समझते हैं क्या करना है। ओके, गुड नाइट, मैं भी इसे अपलोड कर देता हूँ।